जैन साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, काफी दिन से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था किसी कारण बस, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन अब आपको कंटिन्यूअसली आपको अपडेट मिलने वाली है। आज काफी सारी अपडेट है सीसीएस यूनिवर्सिटी की, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा बीए का पेपर कैंसिल हुआ था, यानी कि जो बीए का पेपर 13 अगस्त को पहले कैंसिल हुआ था, उसके बाद में 13 अगस्त को पेपर कराया गया था, तो उसमें काफी सारे बच्चों का वो एग्जाम छूट गया था। यानी कि 13 अगस्त को काफी सारे बच्चों का वो एग्जाम छूट गया था, उनको पता नहीं चल पाया था कि उनका एग्जाम 13 अगस्त को है। तो अब सीसीएस यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया है जिन बच्चों का वो पेपर छूटा है, यानी कि जो बच्चों का पेपर छूटा है, जो 13 तारीख को भी उस पेपर को नहीं दे पाए थे, तो वो बच्चे अब अपना वो उस पेपर को 27 तारीख में दे सकते हैं। यानी कि उनका जो एग्जाम है वो 27 अगस्त को कराया जाएगा। वो जो बीए में आपका पेपर कोड था, वो पेपर कोड आपका 012 और 013 कोड था, तो उसका पेपर जो है अब आपका वो होगा 27 अगस्त को वो कराया जाएगा। जो याद रखिएगा, ये पेपर उन्हीं बच्चों का होगा जिन बच्चों का 13 अगस्त में पेपर नहीं हो पाया था या वो नहीं दे पाए थे, यानी कि वो एबसेंट थे, तो उन बच्चों के लिए पेपर अरेंज किया गया है। अब इससे आगे बात करें जो बच्चों के प्रैक्टिकल होने हैं, यानी कि जिन बच्चों के एग्जाम हुए हैं, तो उसके लिए आपको मैं बता दूं, अब आपके इस बार प्रैक्टिकल नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी ने उसके लिए लेटर जारी कर दिया है, आपके प्रैक्टिकल नहीं कराए जाएंगे। प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होंगे वो आपके जो आपका थ्योरी के मार्क्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि इस बार प्रैक्टिकल आपके नहीं होने हैं। दूसरा, साथ के साथ आपको कंफर्म करते हैं, जो आपका वाइवा है, वाइवा आपका कराया जाएगा, और जो वाइवा होगा वो आपका ऑनलाइन कराया जाएगा, यानी कि जो आपके वाइवा होंगे वो आपके ऑनलाइन कराए जाएंगे, ऑफलाइन वाइवा नहीं होंगे। इस संबंध में सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिस जारी कर दिया है। आगे बात करते हैं जिसको लेकर काफी सारे बच्चे परेशान हैं, अपने नए सत्र के एडमिशन को लेकर, यानी कि या तो उनको यूजी में एडमिशन लेना है या पीजी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए अभी उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए यूजी के लिए यदि हम बात करें तो यूजी के लिए यूनिवर्सिटी ने डेटा की डिमांड करी है सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड से, अभी तक उनको डेटा नहीं मिल पाया है। तो अब हो सकता है डेटा जो है उनको रक्षाबंधन के बाद तक ही मिल पाए। तो जो पोर्टल ओपन होगा, जो एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, वो आपकी रक्षाबंधन के बाद में ही स्टार्ट हो पाएगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपकी रक्षाबंधन के बाद में स्टार्ट हो पाएगी। नेक्स्ट वीक में ही आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो पाएगी, क्योंकि जब तक डेटा नहीं मिल जाता है तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की जा सकती। दूसरा है, जितने भी हमारे ओएमआर एग्जाम हुए थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हुए थे, उन सभी की, लगभग सभी कोर्सेज की जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है, वो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दूसरा है, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी 20 अगस्त 2021 में उसको में अवकाश रहेगा, यानी कि 20 अगस्त को अवकाश रहेगा। यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो 20 अगस्त को मत जाइएगा। तो उसके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिस जारी कर दिया है, तो 20 अगस्त को यूनिवर्सिटी में छुट्टी रहने वाली है, ऑफ रहने वाला है। इससे आगे बात करें, जो मैंने आपको भी बताया कि नए सत्र के एडमिशन के लिए, तो नए सत्र के एडमिशन को लेकर बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, जैसे ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। नेक्स्ट है, बहुत ही खुशी का विषय है, बहुत ही हर्ष का विषय है कि अब एनडीए में आज ही ऑर्डर जारी हुआ है कि अब एनडीए में जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो भी आवेदन कर सकती हैं, यानी कि वो भी अब अप्लाई कर सकती हैं एनडीए के लिए। तो ये बहुत ही खुशी का, बहुत ही हर्ष का विषय है। तो अब जो लड़कियां हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं, एनडीए में जा सकती हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर यस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।